चीन के वुहान शहर से निकला कोरोना वायरस अब दुनिया के करीब 200 देशों में पैर फैला चुका है। दुनिया भर में 31,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। दिसंबर में जब चीन में पहला केस सामने आया था, तब से अब तक करीब 7 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित होकर बीमार पड़े हैं। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका भी कोरोना से कराह रहा है। अमेरिका में कोरोना से करीब 1,40,000 लोग संक्रमित हैं। अकेले न्यूयॉर्क शहर में करीब 50,000 मरीज हैं। अमेरिका में अब तक कोरोना से करीब 2,445 मौतें हो चुकी हैं। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस बीमारी के सामने सरेंडर करते नजर आ रहे हैं। 2.2 million people from this. And so if we can hold that down, as we're saying, to 100,000, it's a horrible number. Maybe even less, but to 100,000. So we have between 100 and 200,000. We all together have done a very good job. But 2.2 million deaths, and maybe even beyond that, I'm feeling very good about what we did last week. ट्रंप ने रविवार को अमेरिका में कोरोना महामारी से जुड़ी गाइडलाइन को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है और साथ ही कहा है कि वहां मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। वहीं कोरोना का कहर जर्मनी, स्पेन और इटली पर भी टूटा है। इन देशों में लोग लगातार अवसाद से घिरते जा रहे हैं। जर्मनी में अब तक कोरोना के 62,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि करीब 525 की मौत हो चुकी है। कोरोना ने इटली पर अस्तित्व का ही संकट पैदा कर दिया है। इस छोटे से देश में 97,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। यहाँ कोरोना वायरस करीब 10,779 लोगों की जान ले चुका है। नीदरलैंड को भी कोरोना वायरस तेजी से अपने जबड़े में जकड़ रहा है। यहाँ 10,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। नीदरलैंड में एहतियात के तौर पर 16 मार्च से ही स्कूल, रेस्टोरेंट, कॉफी हाउस बंद हैं।